हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर टेक। सुने फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। फ्रेंड्स, टेट का एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है। आपको हमने टेट से रिलेटेड कई मैटर दिए। आज टेट से ही रिलेटेड एक मैटर और देने जा रहे हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम जरूर आएगी। इसको आप जरूर देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इंटरटेनिंग है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जनरली आप बेसिक क्लासेस में मीन्स 6th, 7th, 8th में कुछ आइडेंटिटीज पढ़े होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है, टॉपिक है, वो आइडेंटिटीज पर ही बेस्ड है। आपको हम 3 आइडेंटिटी बताएंगे। उन आइडेंटिटी मीन्स सर्वसमिकाएं या सर्वसमिका, 3 सर्वसमिकाएं आप फार्मूला समझिए एक तरफ से। 3 आपको फार्मूले बताएंगे, उन्हीं फार्मूलों पर ही बेस्ड आपको प्रॉब्लम बताएंगे। तो आप सीरियसली इस टॉपिक को ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हिम्मत को बढ़ा देती है, हमें मोटिवेट करती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, हम आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे, जो कि 6th, 7th और 8th की क्लासेस से लिए गए हैं। फार्मूला आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे। टेट एग्जाम बहुत भारी नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। बस हम आपको थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत है। हम आप अगर थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें बेसिक चीज़ें, तो टेट एग्जाम में आसानी से पास हो सकते हैं। जल्द ही टेट का एग्जाम होने वाला है और जो आज का ये वीडियो देने जा रहे हैं, आपको देने जा रहे हैं, ये केवल टेट में ही काम नहीं आने वाला है। आप कोई भी एग्जाम देने बैठोगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आइए हम आइडेंटिटी की बात करते हैं। पहली आइडेंटिटी है फ्रेंड्स, फर्स्ट आइडेंटिटी आपको बताने जा रहे हैं, फर्स्ट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वेरी फेमस फार्मूला, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये क्या हो जाता है, आप जानते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वेरी सिंपल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है आपका पहला फार्मूला। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी आपको बताते हैं, फिर आपको न्यूमेरिक प्रॉब्लम बताएंगे। जैसे हमारे पास है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे आप x रख दीजिए और b की जगह पे फ्रेंड 2 रख दीजिए, प्लस b की जगह पे 2 ऊपर सॉरी b की जगह पे आप 2 रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 जब 4x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। इस तरह आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका हमने एक्सपेंशन किया, प्रसार किया इस फार्मूले की हेल्प से, तो इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर दिस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकंड आइडेंटिटी, सेकंड फार्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ओके फ्रेंड, ये होता है सेकंड आइडेंटिटी। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी आपको देते जा रहे हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए x माइनस 5 का होल स्क्वायर, आपके पास है x की जगह पे a है और सॉरी a की जगह पे x है और b की जगह पे 5 है। वैल्यू पुट कर देते हैं हम, a की जगह पे x है, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू a की जगह पे x है, x रख देंगे, b की जगह पे 5 है, 5 रख देंगे, प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, x स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10 हो जाएगा x प्लस 25, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अगला थर्ड आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड? ये होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, ये होता है फ्रेंड इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, इस टाइप की प्रॉब्लम रहेगी आपके पास। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5t² इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5। इस तरह हमने आपको थ्री आइडेंटिटीज बता दिया और उसका एक एक प्रॉब्लम बता दिया। ये प्रॉब्लम तो फ्रेंड्स आपको समझने के लिए हमने बताया, तब हम इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिक प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं, या दो आइडेंटिटी आपको फ्रेंड और बताने जा रहे हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी की होल स्क्वायर से रिलेटेड ही आइडेंटिटी जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे टच क्वेश्चन आते हैं। ये तो बेस है, बेसिक है, आइए अब जो मेन है उसकी ओर हम चलते हैं। बट इन तीनों फार्मूलों को फ्रेंड आप जरूर याद रखिएगा, फार्मूले जो होते हैं तो ये तीनों फार्मूले आप जरूर याद रखेंगे, बहुत ही काम आने वाले हैं आपको इन फ्यूचर। आइए हम आगे अगली आइडेंटिटी आपको बताते हैं, इन ऊपर वाले दो आइडेंटिटी से ही रिलेटेड है, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर हमें फार्मूले या आइडेंटिटी अगर याद रहती तो उसको डायरेक्ट रख के हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको सॉल्व करते जाएंगे आपका टाइम एक्सपेंड होता जाएगा। सो थर्ड फोर्थ आइडेंटिटी ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर, ये वही है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के टाइप का ही है, बस आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखेंगे फ्रेंड, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू होता है। ओके फ्रेंड याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट ए माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू होता है, ये आइडेंटिटी ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ही बनाया गया है, इसको याद रखिएगा। ओके फ्रेंड आइए हम अब प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। प्रॉब्लम की ओर चलते हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड पहली प्रॉब्लम है 205 × 195, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। अभी आपको मैंने जो आइडेंटिटी बताई उस आइडेंटिटी की हेल्प से इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए 205 है, इसको 200 प्लस 5 लिख सकते हैं, 195 को 200 माइनस 5 लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड अब ये ए प्लस बी ए माइनस बी का है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल आपको बताया गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे 200 का स्क्वायर कर दीजिए इसका माइनस 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे 4, इस तरह 40,000 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 99 और इधर ये 3, इस तरह आसानी से आप विद इन फ्यू सेकेंड्स आप इसको निकाल सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जैसे मान लेते हैं हमारे पास है 1, हमारे पास प्रॉब्लम है 1005 का होल स्क्वायर, 1005 का होल स्क्वायर है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा समय लग जाता है, इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। कैसे? जैसे 1005 को 1000 प्लस 5 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर कर दीजिए, अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है, इसमें फार्मूला लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा देते हैं, ये हो जाएगा 1000 का स्क्वायर प्लस 2 × 1000 प्लस 5 का सॉरी इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको ये हो गया आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख 10 लाख हो गया, प्लस
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 10 हो जाएगा, ये 10,000 हो गया आपका प्लस 25। अब इसको हम फ्रेंड ऐड कर लेते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 0 है इधर तो ले लिया गया है, तो 2 0 इसमें से ले लेते हैं, ये 2 0 कर लिया गया। अब इसके बाद 100 सॉरी ये हो गया, अब ये 1 बचा हुआ, 1 इसके साथ कर लेंगे, इस तरह ये आपका 10, इस तरह 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख, इस तरह इकाई तहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 10 लाख 10,025, इस तरह इसका फाइनल रिजल्ट जो होगा 10,010,025 होगा। ओके फ्रेंड, ये हो गया, फिर इसमें 2 ऐड कर लिया गया, 2 0 बचा, 2 0 यहाँ लिख दिया गया, फिर 100 में 1 ऐड कर लिया गया, 101। ओके, ये सेकंड प्रॉब्लम थी। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं हम। थर्ड प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए हमारे पास 99 का होल स्क्वायर है, 99 का होल स्क्वायर है, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रेंड बड़ा समय लग जाएगा। इसको हम 100 - 1 लिख सकते हैं, ऊपर स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा देते हैं। अब इसको a - b के होल स्क्वायर से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 10,000 हो जाएगा, माइनस 200 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह इसको सॉल्व करने पर फ्रेंड क्या आ जाएगा, फ्रेंड 10,000 से 200 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा 20, 100 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड 98, 9,800 प्लस 1 है, 1 भी इसमें ऐड कर देंगे, 9,801, इस तरह इसका फाइनल। ओके फ्रेंड, इस तरह हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर भी टाइप का न्यूमेरिक प्रॉब्लम बता दिया, a माइनस बी के होल स्क्वायर का न्यूमेरिक प्रॉब्लम बता दिया, और a माइनस बी a प्लस बी के टाइप का बता दिया। आइए अब आगे आपको नेक्स्ट टाइप का बताते हैं, a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर के टाइप का, और a - 1 अपॉन a के होल स्क्वायर के टाइप का। हाउ, जैसे मान लेते हैं हमारे पास a प्लस 1 अपॉन a इक्वल, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी वैल्यू है, क्या है, मान लेते हैं हमारे पास 7, a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास 7 है, और हमें वैल्यू निकालनी है a² + 1 / a² की, इसकी वैल्यू निकालनी है। इस टाइप के प्रॉब्लम फ्रेंड्स आते हैं एग्जाम में, इसको सीरियसली ध्यान दीजिएगा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके फ्रेंड, कैसे निकालेंगे, हम फार्मूला जानते हैं, a + 1 / a का होल स्क्वायर इक्वल a² + 1 / a² + 2 होता है, यू नो, और हमारे पास जो वैल्यू है 7 है, इसकी a + 1 / a की यहां रख देंगे, a² + 1 / a² + 2 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, ये a² + 1 / a² + 2 हो जाएगा, 2 को हम सब इधर दे देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी a² + 1 / a² = 49 माइनस 2 हो जाएगा = 47। इस तरह a² + 1 / a² फ्रेंड क्या हो गया 47। इस तरह a + 1 / a की वैल्यू हमारे पास थी, हमें वैल्यू निकालनी थी a² + 1 / a² की। आइए सेकंड टाइप पे चलते हैं हम इसके। मान लेते हैं हमारे पास प्रॉब्लम है a - 1 / a = 10 है, हमें वैल्यू निकालनी है a² + 1 / a² की, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड, वही जैसे a - 1 / a की वैल्यू दी गई है, तो a - 1 / a का होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला बताया गया, क्या होता है फ्रेंड, a - 1 / a का होल स्क्वायर इक्वल a² + 1 / a² माइनस 2 होता है। अब a - 1 / a की वैल्यू आपके पास 10 है, 10 रख देंगे यहाँ, a² + 1 / a² माइनस 2, ये आपका 100 हो जाएगा, इक्वल a² + 1 / a² - 2, इंप्लाइज ये हो जाएगा a² + 1 / a² =
इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये 100 तो हो जाएगा इधर माइनस, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये था फ्रेंड आपका, हमने जितने फाइव आइडेंटिटीज आपको बताया, फाइव आइडेंटिटीज का आपको हमने प्रॉब्लम बता दिया। अब ये फिनिश्ड नहीं हुआ, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिक प्रॉब्लम आते हैं, जल्द ही इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दिए जाएंगे, रिलेटेड इससे वीडियो दिए जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में वो आपको काम आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।